हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इसका वेटेज दिखा दे रहा हूँ। इसका वेटेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन COV, ये यूनिट 3 के अंदर आता है और इसमें 1-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2 लिखा हुआ है, बट ए ऑन एवरेज है कि 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। इसका एग्जांपल भी मैं शो करता हूँ। लास्ट टाइम 2019 दिसंबर में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और 2 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के थे। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, इनपुट 2 हो गया आपका, ये 2 क्वेश्चन थे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना प्लस 3 यानी 12.5 मार्क्स का आप इजीली क्वेश्चन इसे कर सकते हैं। इसमें कोई खास लेवल नहीं होता है, बस कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं अब आपको क्वेश्चन शो करता हूं 2019 दिसंबर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, इसको स्टार्टिंग से मैं करता हूँ। ये है पार्ट सी का। पार्ट बी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 24। आई थिंक मेरा स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगा सबको। तो पहले मैं क्वेश्चन का पैटर्न दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन का नेचर किस टाइप का होता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, एक वाइज कंट्रोल फंक्शन दिया हुआ है, एक्सटिमाइजिंग फंक्शन दिया हुआ है और एक फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का दिया रहता है स्ट्रक्चर, कुछ कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस दिए रहते हैं और कुछ इस टाइप के कैलकुलेशन करवाना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका COV का है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखना, मीन्स इसमें मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग, जनरली जो क्वेश्चन नेट गेट में नहीं आता है, नेट में सेट में पूछता है वो मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग का पूछता है, या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का पूछता है, जिसमें आपको एक इस टाइप से फंक्शनल दिया रहेगा, इसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं और लिनियरिटी के कंडीशन होल्ड करता है तो उसको लिनियर फंक्शनल बोलते हैं। तो अभी हम लोग थ्योरी करेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसमें ए दिया रहेगा, कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे और उन कंडीशंस के बेस पे हमें वैल्यू बताना है। ओके, तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि वहीं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, यहीं क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस यहीं इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, और कुछ नहीं है। थ्योरी में तो बहुत कुछ है, लेकिन जो नेट के एग्जाम में पूछता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक। अच्छा, देख रहे हो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आता है, एक में तो इस टाइप के दिया रहेगा, इसमें सब्जेक्ट टू लिखा हुआ, हो सके कहीं इसको कंडीशन में मेंशन कर दे, तो 2 तरह के हो गए, जिसमें एक एक कंडीशन दिया रहेगा उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर है और जिसमें नहीं दिया रहेगा उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर है। तो आपने यहाँ देखा कि 4.75 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ठीक है, इसमें भी एक्सटर्नाइजिंग फंक्शन दिया हुआ है ऑफ द फंक्शनल दिस, मैं पहले बता, इसको फंक्शनल बोलते हैं, सम कंडीशन दिया है, देन एन एक्सटर्नल वाई एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एट 0 and 1 टुगेदर विद द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे फिर से कुछ कंडीशंस की बात कर रहा है, कुछ एक्सटर्नल से दिया हुआ है, कुछ कंडीशन से दिया हुआ है, तो पूछ रहा हूँ फंक्शन क्या होगा। तो फिर से आ गया, यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, यहाँ से आप इजीली 12.5 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं, अतः COV भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया था थोड़ा देर पहले कि इसमें जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसमें जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसमें जो आपका वेटेज हो जाएगा 1-3 हो जाएगा और मार्क्स जो जाएंगे 12.5, मतलब इसके इक्विवेलेंट मार्क्स हो जाएंगे।
एक चीज और दिखाऊंगा, इसमें कैलकुलस और वेरिएशन में नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनता, सब क्वेश्चन किसी न किसी ईयर से रिपीटेड होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर शो करना चाह रहा हूँ, जैसे ए 19, अभी 37 नंबर हमने क्वेश्चन जो देखा था ना, 37 ए वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, फंक्शनल दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दिस दिस इक्वल टू, पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका। ओके ये क्वेश्चन आपका 2014 दिसंबर का एज इट उठा के दिया हुआ, कुछ भी नहीं चेंज किया है। कहाँ है हम दिखाते हैं उसको भी। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप लोग, ये 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ, और वहां भी 19 दिसंबर में भी 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सी टू फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशन वही है देखिए, जीरो और पाई पे जीरो है फंक्शन, एंड ए वाला कंडीशन जो वहां पे दिया था, जीरो से पाई में वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू वन है, एंड एक्सटीमाइजिंग द फंक्शनल दिस, ये क्या है इसको लिखेंगे तो हम लोग वाई डैश स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ओके अब यही क्वेश्चन देखिए आपका, यही वाला है वाई डैश स्क्वायर, यहाँ से देखिए मैंने वाई डैश स्क्वायर लिखा, यहाँ भी वाई डैश स्क्वायर है इक्वल टू वन, ए भी इक्वल टू वन था। ओके जीरो और पाइप पे दिया हुआ है, वहां भी जीरो और पाइप पे दिया हुआ था, तो ए टू जेड सेम है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि ए ए चीज डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ भी बदला नहीं है। आप इसी क्वेश्चन में जैसे लिया इस तरह, इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन दोनों में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सो आपको इस सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस सब्जेक्ट में कैसे होगा, बहुत ही बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ समझ सके। अच्छा इसमें मैंने कुछ टॉपिक लिस्टेड किया हुआ है कि इसमें आपको एक तो बेसिक डिफिनीशन और कुछ जानने हो, बेसिक डिफिनीशन से जानने हो, जैसे वहाँ पे सी टू लिख दे रहा है, कहीं सी एन लिख देगा तो इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वहाँ पे एक्सटीमाइजिंग वर्ड आया था, तो मीन्स कुछ एक्सटर्नल की बात करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू क्या होगा, एक्सटीमाइजिंग फंक्शन क्या होगा, इस टाइप के। ओके इन सब में एक रिजल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयलर इक्वेशन, तो ए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी होता है क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सीधी इंग्लिश घी ना निकले तो टेढ़ी इंग्लिश घी निकाल लीजिए, वहीं वाली कंडीशन है। कभी कभी बहुत बार होता है कि हम डायरेक्टली आयलर इक्वेशन नहीं लगा सकते ना, तो उसका एक अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब उसके मॉडिफाइड वर्जन है, तो उसको हम लोग लगाते थे। इस पर भी बेस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे कभी कभी पूछा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछता है, इससे सेट वगैरह में काफी क्वेश्चन आते हैं, नेट में मतलब आया है, एक दो बार ही आया हुआ है। पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब आप जानते होंगे ना, जिसको हम जैसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 4ax ऐसे लिखते थे पाराबोला को, तो उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता था, वाई इक्वल टू भी कुछ फंक्शन ऑफ टी हो जाता था और एक्स इक्वल टू भी कुछ फंक्शन ऑफ टी हो जाता था, तो इस टाइप से लिखते थे, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ओके जियोडिशिया जाता था, अब जियोडिशिया आप सोच रहे हो क्या होगा, ये होता है ना सिंपली एक लाइन या एक कर्व का एक पॉइंट से डिस्टेंस, तो जो मिनिमम या फिर एक ही कर्व के ऊपर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग जियोडिशिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कर्व ले लिया, एक ए ले लिया, तो आप यहाँ से तो ए भी डिस्टेंस यही इसी पॉइंट से, इसी ए भी डिस्टेंस इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ए वाला जो होगा, जो भी होगा मिनिमम डिस्टेंस हमारा, उसको हम लोग जियोडिशिया बोलेंगे। या फिर इस मान लीजिए इस कर्व पे इस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से आप एक डिस्टेंस ले सकते हैं, इसे भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होगा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग जियोडिशिया बोलते हैं। ओके फंक्शनल विथ बाउंड्री कंडीशंस, अभी आप थोड़ी देर पहले देखेंगे कि जो हम लोग फंक्शन से ले रहे थे उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एफ जीरो एंड इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ पाई, मतलब एफ नहीं वहाँ पे वाई जीरो लिखा हुआ था, तो हम लोग या तो एफ एक्स लीजिए या फिर एफ एक्स को आप लोग वाई एक्स लीजिए, दोनों बात बराबर है, तो इसी को हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोल रहे हैं। तो ए फंक्शनल विथ बाउंड्री कंडीशन, फंक्शनल क्या था, जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म था। ओके तो ए भी इंपॉर्टेंट है, अब ए उतना मायने नहीं रखता, ए भी मायने नहीं रखता, ए भी इतना मतलब कभी काल क्वेश्चन आते हैं लेकिन इससे ज़्यादा ए सेट वगैरह के लिए। और एक ए चीज एसेंशियल्स एंड सप्रेसिबल बाउंड्री कंडीशन, जैसे कभी कभी वो लिख देता है ना कि नेचुरल बाउंड्री कंडीशन ऐसे कुछ लिख दिया जहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया, तो वो चीज़ यहाँ से उठ के आता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानना होगा, ये हेल्प करता है बहुत। ओके वीक मिनिमा एंड वीक मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आता है आपके सीओबी में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो
तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक हो गया ये 15 नंबर, और इस आधार से चलें तो ये तो 9th नंबर तो यूजी होगा, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। 8th से कभी कभी आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म से कभी कभी आता है, और इधर मतलब A4 आप ले लीजिए और इधर का ये ले लीजिए, इनसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना है, अगर जो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते ठीक है, मैं कैलकुलस COB में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, तो आप एक इसको कर लीजिएगा, बेसिक डिफिनीशंस कर लीजिएगा, एक्सटर्नल कर लीजिएगा और ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आप बीच में छोड़ सकते हैं। इनका क्या है, जैसे एप्लीकेशन या बाउंड्री कंडीशन समझ गए तो बस हो गया, वहीं है। आप देख रहे होंगे आज को मैंने एक पेज ही मेंशन किया हुआ कि एक पेज में हो गया, तो बस वही बाउंड्री कंडीशन किस टाइप के होते हैं और उनको क्या क्या फॉर्म है, तो यही चीज़ है। ओके, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू कि कैलकुलस और वेरिएशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे किया जाता है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, उन्हीं टॉपिक्स को वीडियो का स्टार्टिंग में कर दिया ताकि ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा जो भी क्लास खत्म होने के बाद, क्लास के बाद या फिर अभी आप लोग जैसे लीनियर चल रहा है ना, ठीक है, तो आप उसके प्रॉब्लम करते रहिए और इसका जो मैं थ्योरी बताऊंगा इसके भी प्रॉब्लम करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं नोट्स आप लोग को जो भी आपका ईमेल दिया हुआ है मैं उसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको तो हम लोग इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या होता है। जैसे वहाँ पे आपका जो मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया था ना, मैं क्वेश्चन ही दिखा के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन 19 ये बहुत जगह पूछा हुआ है, आसाम रीजन का, तो इसमें भी क्वेश्चन इसी डेफिनेटली आता ही आता है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें क्या कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। ओके, आपको फंक्शनल पता चल गया, तो इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो इसको ओके, तो हम लोग फंक्शनल की बात कर रहे थे। फंक्शनल ओके, ये होता है ए मैप, कोई एक मैप ले लीजिए। आप देखोगे आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में बार बार आई लिखा हुआ है, तो आई ले लीजिए, आप कुछ भी एफ फंक्शन ले लेते हैं, जी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं, बट इस टाइप से लिखा हुआ तो हम लोग उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और कुछ इस टाइप से दिया हुआ था तो मान लीजिए कि हम इन जनरल ले रहे थे, ए टू बी ले लीजिए, ओके, से आर में ले लीजिए, ठीक है, इतना फंक्शनल। बस इतना से काम चल जाएगा अपना। अच्छा, ये टर्म आपको जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दें, इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको नोट कर लो भैया, CN A to B। एक क्या होता है, आप सबको पता होगा कि ये होता है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस nth डेरिवेटिव, ठीक है, ऑन दिस इंटरवल वेयर दिस इज वेयर इतना इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, कौन सा फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस, ठीक है, nth डेरिवेटिव, हैविंग कंटिन्यूअस nth डेरिवेटिव कहां पे, इन इस जो इंटरवल हमें दिया हुआ है इस इंटरवल में, ठीक है। तो आपको जैसे आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार देखें यहाँ पे, अच्छा इसमें कुछ नहीं दिया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर था ना, ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे C401 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी को एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका हो गया एग्जांपल C401। इस पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज आपको बार बार काम पड़ेगा, तो अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है। ओके, तो C401 क्या होगा, ठीक है, हाँ गेस करिए आप लोग, बिल्कुल सही, ये होगा सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैविंग कितना कंटिन्यूअस nth डेरिवेटिव होता था, यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव कहाँ पे है, 0 से 1 पे, तो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल, शॉर्ट में फंक्शंस लिख दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस। अब हम लोग nth डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ पे फोर्थ था, तो आप मान लीजिए कि फोर्थ जो 01 दिया है,
अच्छा ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल, मतलब फोर से डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब आप इसके आप फोर टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कहाँ पे, इस इंटरवल पे। ये बस हो गया। एंड कुछ और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, फंक्शनल पे हम लोग आते हैं। तो एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, कहाँ से, C1 से ले लिया, ये 01 है तो 01 से ही ले लेते हैं कुछ ऐसे, ओके। 01 से R में ले लीजिए, डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय, आप लोग का, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 20 जून के एग्जाम का पेपर होने वाला है अराउंड 19 नवंबर, उससे पहले लगभग सारे सब्जेक्ट्स का कोशिश करेंगे हम लोग कवर करने के लिए, सो दैट आप प्रॉब्लम्स कर सको। मेनली तो प्रॉब्लम ही है, अगर आप प्रॉब्लम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेनली अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, थ्योरी तो बाद में भी सीख लोगे। इस 20 दिन में आपको ओनली प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। इतना डिफाइंड बाई, इतना इज ए फंक्शनल, फंक्शनल एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने वाई एक्स लिखा है, आप जैसे इसको एफ एक्स भी सिंपली ले सकते हो, अगर मान लो आपका मन है कि ये वाई एक्स ले रहे हैं तो आप एफ एक्स भी ले सकते हो। तो एफ एक्स लोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं 0 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एफ डैश एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ये सेम चीज़ है, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो किस मारना है, ओके। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ले लिया कुछ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर अगर आप वाई ले रहे हैं तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस केस में हमारा फंक्शनल क्या हो जाएगा, वाई हमने 0 से 1 कर लिया, ये ले लिया 1 प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर एंड डी एक्स, ये दे देगा आपका 0 to 1 root 2, ओके। इंटीग्रेशन करेंगे तो √2 x का हो जाएगा 0 to 1, यानी ये दे देगा तो √2, तो ये कुछ वैल्यू निकल गई इसको बस। तो यहाँ से हमारा फंक्शनल का कंसेप्ट हुआ। अच्छा हम लोग लीनियर अलजेब्रा जैसे जानते हैं लीनियरिटी की कंडीशन, तो अगर ये फंक्शनल लीनियरिटी की कंडीशन होल्ड कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शनल जो है लीनियर फंक्शनल होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, ओके। लीनियर फंक्शनल बिल्कुल जैसा नाम है वैसा काम है। तो हमारे पास एक मान लीजिए फंक्शनल है कोई cn, कहाँ से, a से b इंटरवल पे, ओके। तो किस टाइप का था, cn a b टू, हमने r लिया था, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इज कॉल्ड क्या, लीनियर फंक्शनल, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, इसका लीनियर फंक्शनल कब, अगर ये फंक्शनल सेटिस्फाई करे कौन सा कंडीशन, लीनियरिटी की। इफ तो लीनियरिटी का कंडीशन क्या होता है आप लोग जानते थे, बस इसको लीनियर फॉर्म में लिख लीजिए। अगर हमारा ए है तो मान लीजिए मैंने कुछ C1 Y1 ले लिया और C2 Y2 ले लिया, तो ये क्या आना चाहिए, C1 तो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए, और ए Y1 प्लस C1 C2 था ना C1, और ये हो जाएगा IO Y2। तो अगर एक कंडीशन होल्ड करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शनल है वो क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। सारे जैसे y1 y2 का लिखने का मतलब कि ये जो y1 मतलब y1x है, ये अंडरस्टूड आपको लेके चलना है, इस टाइप से बातें, ठीक है। तो अब जैसे बहुत बार इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शनल इज, अब कुछ समथिंग दिया हुआ है, अब जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से 2 तो लीनियर फंक्शनल नहीं होता है। तो आपको रफली एक बार देख लेना है कि इस टाइप की कंडीशन होल्ड तो कर रहा है ना, मान लो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, ओके। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप बताइए कि ओके मैं लिख दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following functional is linear functional,
ओके आपको आंसर बताना है सॉल्व करके सब्जेक्टिव टाइप पे। पहला ले लीजिए, वो भी अच्छी बात है, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। इंटरवल 0 to 1। अच्छा सिंपल पहले दे दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ x1 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ x2 ले लीजिए, एंड y+2y-, ठीक है ADA। एंड मैंने सेकेंड दे दिया, वो पार्टिकुलर दे दे रहा हूँ, ठीक है ए जनरल हो गया, ए पार्टिकुलर दे रहा हूँ 0 to 1 1+y² + 3y du। Kindly pause the video and solve this problem. ओके तो इसका सॉल्यूशन का मैं हिंट देता हूं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का सेकंड का लीजिए, हमारे पास दिया हुआ है y(x=01(1+3y+y²dx), राइट ओके। अब हमें क्या करना है इसमें, सिंपली देखिए इसमें मैंने जब लिनियरिटी वाले कंडीशन में लिखते हैं तो दो हम कंडीशन चेक करते हैं, एक तो y1+y2 मतलब आई यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ है, एक तो कांस्टेंट वाला है और एक ए समेशन वाला है, तो एक है i(y1+y2) = i(y1+i(y2), सेकेंड है i(c1y1), ओके तो एक क्या हो गया c1 i(y1), तो ये दोनों कंडीशन को मैंने कंबाइन करके एक ही फॉर्म में लिख दिया है। तो आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा, तो अगर इस टाइप पे चेक करना तो पहला दो कंडीशन चेक करिएगा कभी भी, i(cy) = c(i)y, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये हो रहा है देन आफ्टर आप क्या चेक करोगे, i(y1+y2) = i(y1+i(y2), एक कंडीशन होल्ड करा कि नहीं, अगर दोनों कर गया तो हो गया। तो चलो हम लोग पहला देखते हैं, तो पहला देखेंगे तो क्या होगा i(c)(yx), ओके 0 to 1 रख दिया, ओके y अब ये हो जाएगा 3cy और डेरिवेटिव करेंगे तो c y डैश, ओके y डैश का होल स्क्वायर है, ओके ये चीज होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इसमें से हम लोग c कॉमन नहीं लिख सकते, आप इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते हैं 0 to 1, क्योंकि इस c कॉमन लेने के लिए यहाँ पे भी c होना चाहिए, सॉरी ये c स्क्वायर बन जाएगा ना, ओके होल स्क्वायर है तो ये c स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि c कॉमन नहीं लिख सकते, क्योंकि c यहाँ रहता तब आप c कॉमन लेते, अच्छा यहाँ c रहता तो यहाँ c कॉमन होता, यहाँ c कॉमन यहाँ फिर से c बच जाता, तो मतलब एक किसके इक्वल नहीं होगा, जो हमारा ओरिजिनल था ये हमारे पास वही था ना ओरिजिनल, तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ, जब इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट लीनियर फंक्शनल, ठीक है। अब जब यही नहीं सेटिस्फाई किया तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली मतलब कोई भी एक कंडीशन फेल किया इन दोनों में से, ठीक है कोई भी एक कंडीशन फेल किया तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शनल है लीनियर फंक्शनल नहीं है। तो सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप कर लेना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ओके मैंने किसका अभी सेकंड का करवाया ना, ओके तो फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेकंड मैंने करवा दिया, ये क्या हो गया नॉट लीनियर फंक्शनल, ये नॉट लीनियर फंक्शनल हो गया, और उसके लिए बता दे रहा हूँ कि ये लीनियर फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, अगर लीनियर फंक्शनल है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपका होमवर्क है कि ये दोनों देखना है कि इस वाले फर्स्ट वाले में ये दोनों होल्ड कर रहा है, अगर आपका नहीं कर रहा होगा तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है तो वो आपको देख लेना है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग आते हैं, ओके ये क्या है, ये हमारा एक्सट्रीमल एंड एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने शुरू में बताया था कुछ पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कहाँ गया, हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन और फंक्शनल देख लिया, ये इतना ही था, इससे ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, जितना हमने बताया उतना से काम चल जाएगा। अब हम लोग एक्सट्रीमल वैल्यूज एंड एक्सट्रीमल फंक्शंस देखेंगे, या एक्सट्रीमल नेचर जो भी होगा, एक्सट्रीम
वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम इस टाइप की जो बात करता है। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल, ये हो गया आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यू जो भी कह लीजिए। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन हर बार आता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था ना जो क्वेश्चन में आपके क्या था एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन आ गया। इससे पहले जो था ये भी एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल था, और इससे पहले जो क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन ही ज्यादा आता है 30 मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब एक्सट्रीमाइजिंग ही पूछ रहा है, तो एक्सट्रीमाइजिंग में मतलब मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही आ जाता है। ओके तो इसका अभी मैं थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में हम लोग इसका क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके तो इसका थ्योरी क्या है कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। ओके एक क्या मान लीजिए हमारे पास ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उसी अपने पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो मान लीजिए हमारे पास कुछ वाई नॉट एक्स है, इसको हम बोलेंगे कि हमारा एक्सट्रीमल होगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस पर अगर ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा हो, दैट इज इतना इज शेड टू बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एसटीबी लिखता हूँ, तो इसे आप कंफ्यूज मत होना। वाई इज इक्वल टू वाई नॉट एक्स, ये एक्स है, इज शेड टू बी एक्सट्रीमल, क्योंकि हम एक्सट्रीमल की बात कर रहे हैं ना अभी, इतना इज शेड टू बी एक्सट्रीमल सेटिस्फाइंग। देखिए कि मैं यहाँ पे क्या सेटिस्फाइंग क्या वाई नॉट ए इज इक्वल टू कुछ अल्फा एंड वाई नॉट, ए वाई नॉट हमारा फंक्शन था, ए कुछ बी इक्वल टू बीटा। अच्छा देखिए ए बी क्या था, तो जो हमारा वो इंटरवल हमने ए से बी लिया हुआ था ना जो कंटिन्यूअस डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, तो वो वाला है ऑफ किसका है, अभी यहाँ से दिख जाएगा शायद आपको वाई एक्स इस टाइप का। ओके ए मैंने ले लिया ए सी बी, यही इंटरवल ले रहे थे ना, तो इस ए बी पे इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए यहाँ से ट्रिक भी आपका बन रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल फंक्शन होता है वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर कहीं आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन एक्सटर्नल है या नहीं है और चार ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ उसको भी चेक कर लेना, ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है ऑप्शन डिस्कार्ड करने में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का नेचर होता है वो इस टाइप से दिया रहता है एक्स वाई वाई डैश ये होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास एक फंक्शन है वाई नॉट एक्स मैंने लिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ दिस फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, कब अगर यही कंडीशन असली ये वाला है, अगर ये जो हमने वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग निकाले हैं ना, तो ये जो वाई नॉट फंक्शन होगा ये क्या हो, या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, मैक्सिमम हो मिनिमम, ठीक है। ओके और इस केस में देन ये जो हमारा हमने वाई नॉट पर निकाला है ना, देन आई वाई नॉट एक्स इफ इतना इज इक्वल टू इज मैक्सिमम और मिनिमम, देन इतना इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। ओके तो यहां से आपने देखा होगा कि वाई नॉट एक्स इज सेट टू बी एक्सट्रीमल सेटिस्फाइंग दिस ऑफ दिस, क्योंकि हमें मेनली तो स्टार्टिंग में यही चीज दिया रहेगा, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो हम बोलेंगे सिंपली सेटिस्फाई कर गया तो आप एक्सट्रीमल बोल रहे हैं, और वो अगर मैक्सिमम और मिनिमम हो गया तो बोल रहे हैं आप इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, ये आपका एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगा। और जो हमने अभी थोड़ा देर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो ठीक है एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन आपका क्या है, आप लोग इसको अच्छा पैटर्न एक सेकंड ओके तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये दिया हुआ है 0 to 1 प्लस जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था यही वाला लिखा था, वाई डैश स्क्वायर का मतलब हुआ कि वाई एक्स है, वाई जो एक्स का फंक्शन है,
ये एक्चुअली अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पूछता है ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कर्व, सॉरी कर्व का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, लेंथ ऑफ, एक कर्व का लेंथ देता है, ओके। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, ठीक है, और कंडीशंस कुछ ले लीजिए, क्वेश्चन इतना वी 0 1 पे कुछ ना कुछ होगा, तो मान लीजिए कि वाई 0 पे 0 गिवेन है एंड वो वाई 1 पे कुछ 1 मान लीजिए, ओके ओके। तो इसको मैं ले रहा हूँ, तो लास्ट टाइम हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था वाई इक्वल टू एक्स वाला, ओके। तो वाई मैं एक क्लेम कर रहा हूं, तो वाई इक्वल टू एक्स इज ए एक्सट्रीमल, ओके, इसका और इसका कुछ नाम दे दो, इस सिस्टम को मैं पूरा 1 नाम दे रहा हूं, तो वाई इज एक्सट्रीमल ऑफ 1, ओके। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर 1 है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, तो मींस देन इतना एक्सट्रीमल ऑफ देन एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सट्रीम वैल्यू की बात करोगे, मिनिमम वैल्यू की, मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, ओके। देन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, देन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ इसका 1, देन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ 1 क्या होगा, आपको सिंपली क्या करना है, y की जगह इसको रख देना है। तो हमने उस टाइम सॉल्व किया था, आपको याद होगा थोड़ा देर पहले, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, 0 to 1 था ए 1 प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये डी एक्स था, तो हमारा 0 से 1 √2 डी एक्स आया था, यानी ये √2 आया था आपके आंसर, ओके। सो देन नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ इतना इज इतना, बस नहीं हो गया, ओके। इसको मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज्योमेट्रिकली ऐसे देखिए, हमारे पास हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्स इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं ना, कहाँ से 0 से 1 के, मान लीजिए कि हमारे पास ए 1 है, ओके, ए लाइन ए है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन नहीं होगा, तो हम 0 से 1 में बात कर रहे हैं, और मैंने थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया था कि ए किसका देता है, लेंथ ऑफ कर्व देता है, ए जो होता है कौन सा कर्व, यहाँ पे वाई है ना, तो वाई कर्व का जो लेंथ होगा इस पे पूरा, तो ए पूरा वो लेंथ ऑफ कर्व देता है, तो यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व निकालिए, हम कहाँ तक निकाल रहे हैं, 1 तक निकाल रहे हैं ना, ठीक है, ए हो गया, तो हमें मतलब ए लेंथ निकालना है, ए लेंथ मान लीजिए कुछ, ए लेंथ निकालना है जो एक कुछ मान लीजिए कि कुछ के है, ओके। तो के क्या होगा भाई, पाइथागोरस पर थ्योरम, ये क्या होगा, ए लेंथ पूरा 1 है, ए लेंथ पूरा क्या है 1 है, और ए वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, सो 45 डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, सो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ए क्या होगा, यहाँ से अगर ए फोर्टी, ए दोनों इक्वल हो गया, मीन्स ए साइड भी इक्वल होगा, मीन्स ए लेंथ आपका क्या होगा, ए भी लेंथ 1 हो जाएगा, तो ए लेंथ 1 हो गया, तो पाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए जो लेंथ के हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2, तो यही एक्सट्रीम वैल्यू आ गया। लेकिन ये छोटा सा ग्राफ था, तो आप बना लिया, हर जगह ए रिजल्ट नहीं अप्लाई कर सकते, मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि कैसे लेंथ ऑफ कर्व देता है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, तो फिर आप बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ये कैसे, मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि एक्सट्रीम वैल्यू कैसे रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये समझ रहा हो कि हमने, मैंने बोला कि ये लेंथ ऑफ कर्व देता है, तो कैसे इस, देखिए इस कर्व का लेंथ यहाँ से यहाँ के बीच में आ गया √2, वही चीज़ यहाँ से हमने कैलकुलेट किया आया था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे आयलर्स फंक्शन, ठीक है। अब वो क्या होता है, तो मैं हेडिंग डाल के छोड़ देता हूँ, आप लोग एक बार मतलब अगर जिनको पता होगा आप रिकॉल कर लीजिएगा, और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ हम तो करवा ही रहे हैं, ओके। तो हमारा ये हो जाएगा आयलर्स, आयलर्स इक्वेशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें 2 और 3 क्लासेज में हम पूरा आयलर इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, और 1-2 क्लास में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ओके, थैंक यू।